भारत के अंतरिक्ष में ऊंची उड़ान। भारत ने मिशन शक्ति के तहत एक मुश्किल ऑपरेशन को पूरा किया। एसेट मिसाइल से लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया। पीएम मोदी ने मिशन शक्ति के लिए देश के वैज्ञानिकों को दी बधाई। कहा, हमें हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व है। भारत आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व की चौथी महाशक्ति बन गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर डीआरडीओ को दी बधाई। पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा, पीएम मोदी को वर्ल्ड थिएटर डे की बधाई। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने ट्वीट कर लिया मिशन शक्ति का श्रेय। कहा, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व को बधाई देता हूं। अखिलेश यादव ने भी पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, नरेंद्र मोदी ने खुद के लिए मुफ्त में टीवी पर 1 घंटा निकालकर आसमान की ओर दिखाया ताकि देश के जमीनी मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। अखिलेश की उपस्थिति में सपा में शामिल हुए भाजपा सांसद अंशुल वर्मा। भाजपा के प्रदेश कार्यालय जाकर चौकीदार को सौंपा इस्तीफा। बीजेपी में शामिल हुए भोजपुरी फिल्म स्टार निरहुआ और रवि किशन अखिलेश के खिलाफ आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं निरहुआ। छम्मा छम्मा गर्ल ने शुरू की सियासी पारी। कांग्रेस में शामिल हुई उर्मिला मातोंडकर। राहुल गांधी से मिली उर्मिला। कांग्रेस के न्याय की आलोचना कर फंसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष। चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। भाई राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा। पार्टी महासचिव का कांग्रेसियों ने किया भव्य स्वागत। बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुमित्रा महाजन का चौंकाने वाला बयान। कहा, इंदौर से या तो मैं या फिर मोदी लड़ेंगे चुनाव। इंदौर में कांग्रेस की स्थानीय इकाई ने भी की है मांग। योगी आदित्यनाथ का राहुल गांधी पर तंज। कहा, पूजा में राहुल गांधी को बैठना भी नहीं आता। सोमनाथ मंदिर के पुजारी ने लगाई थी डांट। नीरव मोदी पर कस सकता है शिकंजा। नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण पर कल लंदन के कोर्ट में होगी सुनवाई। आज रात रवाना होगी ईडी और सीबीआई की टीम। गोवा में आधी रात को हुआ सियासी ड्रामा। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 2 विधायक भाजपा में हुए शामिल। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए सिर्फ 4 दिन बाकी। लिंक नहीं कराने पर 1 अप्रैल से रद्द हो जाएगा आपका पैन कार्ड। ऑस्ट्रेलिया ने फेसबुक और ट्विटर को दी चेतावनी। कहा, चरमपंथी सामग्री तुरंत नहीं हटाई तो फेसबुक और ट्विटर अधिकारियों को होगी जेल। सुल्तान अजलान शाह कप में भारत ने मलेशिया को दी मात। भारत ने मलेशिया को 4-2 से दी मात। मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ने रविचंद्र अश्विन को दी क्लीन चिट। कहा, मांकड़ नियम जरूरी। बटलर को आउट करने पर हुई थी आलोचना। पीएम नरेंद्र मोदी पर नहीं थम रहा विवाद। निर्वाचन आयोग ने निर्माताओं को नोटिस भेजकर मांगा जवाब। 30 मार्च तक का दिया समय। फिल्म की रिलीज पर चुनाव तक बैन लगाने की मांग के चलते मांगा जवाब। और लगातार 6ठे दिन भी छाया रहा अक्षय कुमार की फिल्म केसरी का जादू। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी है 93 करोड़ का कलेक्शन।